हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शंस। तो इससे पहले पिछले लेक्चर जो हमने कवर किया था इसमें हमने इसके डेफिनेशन साथ ही में इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस साथ ही में इसके फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं, देन उसकी लिंक हम अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश नोट्स जो बिल्कुल फ्री होते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। देन फ्रेंड्स यहाँ पे लेक्चर्स थोड़े लेट हो रहे हैं, इसकी वजह ये थी फ्रेंड्स थोड़ी हेल्थ जो है वो सही नहीं चल रही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें। देन जितना जल्दी हम यहाँ पे हो सकेगा इस सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट कराने की फ्रेंड्स पूरी पूरी कोशिश। तो यहाँ पे हम जो इसके नोट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हालांकि हिंदी प्लस इंग्लिश में हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि फ्रेंड्स हिंदी प्लस इंग्लिश में ही आपको समझ आ रहे हैं। देन क्या होता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हिंदी प्लस इंग्लिश में कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स इसके नोट्स आपको अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। देन आप इसको हिंदी में इंग्लिश में प्लस यहाँ पे आप समझ लीजिए, देन इसके नोट्स हम आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, हम आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मेथड्स से जो वर्क करती है यहाँ पे साइज रिडक्शंस में। तो फर्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आती है यहाँ पे कटिंग, यानी कटिंग का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कटिंग क्या होता है इसमें कट यानी शार्प ब्लेड्स के हेल्प से क्या करते हैं सब्सटेंस के साइज को करते हैं यहाँ पे रिड्यूस करते हैं यानी रिडक्शंस करते हैं। कंपैरिजन मेथड जो होती है फ्रेंड्स इसमें क्या होता करते हैं प्रेशर का यूज़ करते हैं सब्सटेंस के ऊपर, एक तरह से प्रेशर डालते हैं जिसमें क्या करते हैं सब्सटेंस जो होते हैं क्रस्ड हो जाते हैं, देन इससे क्या होता है इसका साइज रिडक्शंस हो जाता है। देन फ्रेंड्स इम्पैक्ट जो होता है इसमें ऐसा क्या होता है एक हैमर मिल का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हैमर्स के थ्रू क्या करते हैं हम सब्सटेंस का पार्टिकल साइज जो है यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं इस पर भी हम प्रेशर का ही यूज़ करते हैं। देन एट्रैक्शन जो होता है फ्रेंड्स जो ये भी क्या होता है यहाँ पे इसका यूज़ भी हम इसी टाइप से करते हैं। देन कंबाइंड इंपैक्ट एंड एट्रैक्शन, तो ये भी फ्रेंड्स क्या होता है साइज रिडक्शंस की एक मेथड्स होती है। तो आपके फ्रेंड्स देखा जाए तो जो कटिंग है आपके सिलेबस में ये भी नहीं दी हुई है, देन कंपैरिजन जो है ये आपके सिलेबस में है, देन इंपैक्ट फ्रेंड्स ये भी आपके जो है उसमें है, देन ये भी एट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें आपके सिर्फ टू ही मिल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला है हैमर मिल देन सेकंड है बाल मिल। तो फ्रेंड्स टू की ही स्टडी आपको करनी है। तो इससे पहले जो सिलेबस ओल्ड सिलेबस था उसमें क्या था है? सारे इसको इसी सभी को डिटेल्स में दिया हुआ था, लेकिन आपका सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ है उसमें क्या दिया सिर्फ हैमर मिल और बाल मिल ही आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम शॉर्ट शॉर्ट में इनको देख लेंगे पहले फ्रेंड्स। तो क्या होता है जो कटिंग जो होती है कटिंग एक ऐसी मेथड्स होती है जिसमें क्या होता है जो मटेरियल्स को कट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ शार्प ब्लेड्स। देन फ्रेंड्स इसमें हम कटर मिल का यूज़ करते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसमें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कराने वाले। इसी डेफिनेशंस आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंपैरिजन देखें तो फ्रेंड्स कंपैरिजन क्या होता है इन दिस मेथड द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट इज गेट क्रश्ड इनटू द स्मॉलर साइज पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो प्रेशर्स होता है प्रेशर्स का हम यूज़ करते हैं सब्सटेंस के पार्टिकल्स पर, जिससे क्या होता है जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं रोलर मिल का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके डेफिनेशन आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स क्या होता है ये आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको क्या करना है ध्यान से पढ़ना है। देन फ्रेंड्स इसके नोट्स आप हाथों हाथ बनाते हुए चलें, क्योंकि इसके नोट्स हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हम यहाँ पे क्या हुआ है आपके जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी आपको सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करा सकें। देन इसके नोट्स आप इजिली फ्रेंड्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको चमक नहीं रहा, आप इजिली इसको नोट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ में, जिससे क्या होगा आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे साथ ही में आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक होता है इस मेथड्स के अंदर हार्ड मटेरियल को हैमर की हेल्प से तोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें जो हथौड़े होते हैं हैमर मिल के अंदर वो क्या करते हैं सब्सटेंस के ऊपर पड़ते हैं, जिससे क्या होता है सब्सटेंस का पार्टिकल साइज जो होता है रिड्यूस हो जाता है, जिसमें कि हैमर मिल का हम क्या करें यहाँ पर यूज़ करें, जिसके बारे में डिटेल्स में अब यहाँ पर आपको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हैमर मिल। तो हैमर मिल क्या होता है ये इम्पैक्ट के प्रिंसिपल्स पे क्या करता है फ्रेंड्स ये वर्क करता है। द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पैक्ट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है आपको सिर्फ टू से थ्री पॉइंट्स से आपको यहाँ पे लिखने होते हैं मेनली, तो ये होते हैं पहला आपको प्रिंसिपल्स लिखना है, देन सेकंड आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, थर्ड आपको वर्किंग लिखना है, और साथ ही में आप इसके यूजेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो सभी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से इसमें लिखें फ्रेंड्स। तो क्या है कि 8 मार्क्स में नॉर्मली आपसे क्या होता है हैमर मिल यहाँ पर पूछा जाता है। हैमर मिल बाल मिल क्या होता है फ्रेंड्स 8 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। देन क्या होता है 8 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जा रहा है आप इसको पूरे को ही अच्छे से यहाँ पे लिखें, इसका प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन साथ में इसकी वर्किंग और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और यूजेस, तो आप ये सभी पॉइंट वाइज अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं तो आपके 8 मार्क्स में 7 मार्क्स तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर मिल ही जाते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट होता है इसलिए जो मार्क्स कटने के चांसेज है इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं।
तो फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन समझने से पहले, वर्किंग समझने से पहले क्या आपको इसका डायग्राम आप देख लीजिए। हालांकि डायग्राम मैंने वहाँ पे नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी टाइम उसके डायग्राम के बनाने में लग जाता है। जब आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे तो साथ ही में उसका डायग्राम भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड्स करा देंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये हैमर मिल है। अब अगर इसको आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, आप पूरे ही इस प्रोसेस को, पूरे हैमर मिल का जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है सभी चीज़ को आप यहाँ पर आप समझ जाए। तो चलिए अच्छे से समझ लेते हैं इसको। फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये एक हैमर मिल है। अब आपको सिर्फ जिस सब्सटेंस का, चलिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन के बेस से हम इसको समझते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक होपर लगा हुआ होता है। देन क्या होता है, इसमें चार से आठ क्या होते हैं यहाँ पे जो हैमर्स है वो लगे होते हैं। देन फ्रेंड्स ये हैमर किस चीज़ में लगे होते हैं, ये एक शाफ्ट होती है, रोटेटिंग शाफ्ट जो घूमती है उसमें क्या होते हैं ये हैमर्स यहाँ पे फिट होते हैं। देन ये जो होता है एक मिलिंग चैम्बर्स होता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर क्या होता है सब्सटेंस मिक्स होने के बाद में इसमें घूमता है। देन क्या होता है, इसमें एक स्क्रीन लगी हुई होती है फ्रेंड्स। ये स्क्रीन जो आप इतनी, ये स्क्रीन जो होती है इस टाइप की होती है कि आप इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देन क्या होता है, यहाँ पे एक रिसीवर लगा हुआ होता है जिसमें प्रोडक्ट क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कलेक्ट होता है। यानी जब सब्सटेंस पूरा ही बन के तैयार हो जाता है उसके बाद क्या होता है रिसीवर में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जिस सब्सटेंस का क्या करना होता है, हमें पार्टिकल साइज़ क्या होता है रिड्यूस करना होता है। यानी जिस सब्सटेंस का हमें साइज रिडक्शन करना है उसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे होपर के अंदर डाल देते हैं। इस टाइप से देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए होपर के अंदर क्या किया हमने, फीड यानी सब्सटेंस को इसके अंदर डाल दिया। देन ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये सब्सटेंस यहाँ से यहाँ जाएगा। देन जो यहाँ पे इसकी रोटेटिंग शाफ्ट है इसको क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक मेथड या अदर किसी मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराते हैं। जिससे क्या होती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से क्या होती है यहाँ पे ये घूमती है। जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट इसके बीच में यानी जो सब्सटेंस के पार्टिकल साइज यानी हार्ड पार्टिकल साइज़ यहाँ पर आए। अब क्या होगा, ये हैमर में यहाँ पर घूम रहे हैं तो क्या होता है, जो आपने देखा होगा एक तरह से फ्रेंड्स, चलिए आप एग्जाम लीजिए चक्की का, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या होता है, आटा पीसने वाली चक्की का एग्जाम्पल आप यहाँ पे नॉर्मल ले लीजिए क्योंकि आपके घरों में या आपने उसको नॉर्मली सभी ने उसको देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, हम आटा यहाँ पे डाल देते हैं गेहूँ, देन क्या होता है यहाँ पर वो घूमता रहता है, जिससे क्या होता है वो आटा पिसता रहता है। देन क्या होता है, अब यहाँ पर जो ये पिस रहा है, देन क्या होता है यहाँ पे अब आपको एक आटा मिल रहा है। कभी कभी कहते हैं ना कि मोटा आटा वहाँ पे आपका पिस दिया, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्क्रीन थी उसके होल्स जो थे वो काफ़ी मोटे टाइप के थे। जिससे क्या होता, वो जो उसके जो पार्टिकल साइज़ यानी गेहूं का आपका आटे का जो पार्टिकल साइज़ था वो ईजिली यहाँ पे पार हो गया और यहाँ पे रिसीवर में आ गया। अब आप इसको स्क्रीन को अगर यहाँ पे चेंज करते हैं, आप इसको इतने स्मॉल पार्टिकल्स की यानी स्मॉल होल्स की स्क्रीन आप यहाँ पे लगा दें, जिससे कि जो पार्टिकल साइज़ आप ऑब्टेन कर रहे हैं, अगर इतना ही पार्टिकल साइज़ वहाँ पर आएगा तो स्क्रीन से बाहर आएगा। देन इतना मोटे से ज़्यादा मोटे पार्टिकल साइज़ हैं तो क्या होंगे, वो यहाँ पर एक तरह से वापस बैक यहाँ पर चल जाएंगे। देन उसके बाद ये दोबारा से हैमर्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे, देन क्या होगा, जो वो पार्टिकल साइज़ आपकी जो इच्छा के डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपने स्क्रीन लगाई थी अगर उतने बड़े वहाँ पे हो जाएंगे तो देन क्या हो जाएंगे, ईजिली यहाँ पे आके इसकी स्क्रीन को पार करेंगे, साथ ही में जो प्रोडक्ट यानी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये ईजिली समझ आ गया होगा। देन उसके बाद भी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आपको इसकी कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग जो है इजीली, आप इसको सिर्फ मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हैमर मिल में चार से आठ मेटल के हैमर्स लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स जो होते हैं शाफ्ट में लगे हुए हैमर्स होते हैं उन्हीं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देन ये हैमर जो होते हैं मेटल की चादर के अंदर फिट होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मेटल की चादर आप देख सकते हैं क्या है, जो मेटल की चादर यहाँ पर है, यानी क्या है, ये मेटल की चादर है और इसके अंदर क्या है यहाँ पर हैमर्स यहाँ पर फ्रेंड्स फिट होए हुए हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हैमर मिल जो होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, मेड होते हैं हार्डेंड स्टील एंड स्टेनलेस स्टील्स के यहाँ पे ये बने हुए होते हैं। देन स्टेनलेस स्टील्स के हैमर जो होते हैं फार्मास्यूटिकल पर्पज़ के लिए सफिशियंट होते हैं, यानी किसी और मेटल्स की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टेनलेस स्टील्स के हैमर्स ही वो क्या होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल बेसिस से क्या होते हैं यहाँ पे सफिशियंट होते हैं। देन ये हैमर्स मिल क्या होते हैं फ्रेंड्स, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही शेप में क्या हो सकते हैं, ये टाइप से हो सकते हैं। देन हैमर मिल के शाफ्ट को क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से एंड अदर मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू स्पीड से रोटेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से भी आप इसको रोटेट कर सकते हैं, देन किसी अदर मैकेनिकल मेथड्स के थ्रू भी आप इसको यहाँ पे इजीली रोटेट कर सकते हैं। देन चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी वर्किंग किस तरह से वर्क करता है हमारा जो हैमर मिल है। तो हैमर मिल में जिस सब्सटेंस का क्या करना होता है, हमें साइज रिडक्शंस करना होता है, उसे हम हैमर मिल के ऊपर लगे होपर में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पर डाल दिया जाता है। देन चलिए आप देख लीजिए जो हैमर मिल है तो क्या है फ्रेंड्स, मुझे बुक्स को बार बार यहाँ पर उठाना पड़ रहा है, उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं बनाया था। तो क्या होता है, मान लीजिए जिस सब्सटेंस का पार्टिकल साइज़ क्या करना है रिड्यूस करना है, तो हमने यहाँ पे फीड यानी जो मटेरियल होपर्स के अंदर यहाँ पे हमने डाल दिया। देन फ्रेंड्स क्या किया, फिर हमने क्या किया, जो मिल है उसको
जो हैमर्स होते हैं, यानी हैमर में हैमर जो होते हैं यहाँ पे 8000 से 15000 रिवोल्यूशंस पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी कितनी स्पीड से ये घूमता है, जिससे कि पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, ईजिली वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। यानी एक मिनट के अंदर क्या करता है, 8000 से 1500 चक्कर ये उसके अंदर लगा देता है। देन हैमर में क्या होता है, नीचे की तरफ एक स्क्रीन लगी हुई होती है फ्रेंड्स। तो स्क्रीन जैसे कि हमने बताया, जो स्क्रीन जो होती है आप अपनी उसको डिज़ायर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी जिस फिटनेस का पाउडर आपको वहाँ पे ऑब्टेन करना है। देन द फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी, यानी प्रोडक्ट की फिटनेस जो होती है किस किस चीज़ से आप रेगुलेटेड कर सकते हैं, बाई अल्टरिंग। तो इसमें क्या होता है, लाइक जैसे कि आप रोटर की स्पीड उस पर डिपेंड करता है, देन फीड रेट आपने कितनी उस पर फीड उसको लोड किया है उसमें चैम्बर में, देन आपने नंबर ऑफ द टाइप्स ऑफ हैमर यानी कितने नंबर और यानी कितने हैमर्स और किस टाइप्स के हैमर आपने उसमें यूज़ कर रहे हैं, देन साइज ऑफ डिस्चार्ज स्क्रीन यानी जो डिस्चार्ज स्क्रीन है आपने उसको कितने नंबर्स के होल्स के थ्रू वहाँ पे लगाई हुई है, जिससे कि आप ऑब्टेन कर सकते हैं इजिली। लास्ट में प्रोडक्ट क्या होता है, नीचे लगे हुए रिसीवर में आप इजिली वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी अच्छे से इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपको समझ आया गया होगा। यहाँ पर 6-6, 7-7 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इजिली इसको पढ़ सकते हैं। देन देख लेते फ्रेंड्स इसके यूजेज, यानी जो हैमर मिल हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन किस किस पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली फ्रेंड्स एक तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको बना के साइज रिडक्शन की प्रोसेस में आप इसको यूज़ कर रहे हैं। यानी जो हैमर मिल में क्या होता है, 10 से 40 mm तक के फाइन पार्टिकल्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी कि कितने मिनिमम साइज़ के पार्टिकल्स भी आप इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्राई मटेरियल, तो फ्रेंड्स ड्राई मटेरियल्स के लिए और केक ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए क्या होता है, मोर एसेंशियल्स होता है। देन देख लेते फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे हैमर मिल के। तो हैमर मिल्स इज़ ए गुड मिल्स ऑफ साइज रिडक्शन, तो फ्रेंड्स जो इंडस्ट्रियल के पर्पज़ से, इंडस्ट्रियल में आप देखेंगे इंडस्ट्री में मेनली क्या होता है, हैमर मिल का वाइडली पैमाने पे क्या होता है, यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये ईजिली मतलब जो सब्सटेंस का पार्टिकल साइज होता है इच्छा के अकॉर्डिंग आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, करेक्ट पार्टिकल साइज ऑब्टेन। देन स्पीड को आप इजिली फ्रेंड्स इसकी मेंटेन कर सकते हैं, देन पार्टिकल साइज़ को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन कैन बी चेंज्ड यानी स्क्रीन भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। देन इसको क्लीन करना जो होता है फ्रेंड्स इजी होता है, यानी आप इसको इजीली क्लीन करके दोबारा से इसकी प्रोसेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो एडवांटेजेस के साथ में डिसएडवांटेजेस हमेशा ही फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि वेरी नॉइज़ी। तो क्या होता है, जो हैमर्स होते हैं अगर वो मान लीजिए हैमर ज़ोर ज़ोर से जो हथौड़े होते हैं वो पार्टिकल्स के ऊपर पड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है काफ़ी आवाज़ होती है, इसलिए क्या होता है पहला डिसएडवांटेज इसका फर्स्ट वेरी नॉइज़ी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, वेरी नॉइज़ी होता है। देन हैमर मिल क्या होता है, हीट क्विकली हो जाता है, यानी कि मान लीजिए आप हैमर मिल ज़ोर ज़ोर से पड़ रहे हैं उनके सब्सटेंस के ऊपर, यानी उससे आवाज़ भी ज़्यादा हो रही है, देन क्या होता है वहाँ पर ये हीट सेंसिटिव यानी क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी हीट यानी गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्ट वहाँ पे हम क्या करें, साइज रिडक्शन जिसका कर रहे हैं उसके ख़राब होने के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन स्क्रीन के होल्स क्लोज्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए आपकी स्क्रीन, आप स्क्रीन में क्या होता है जो पाउडर स्क्रीन के ऊपर पड़ रहा है, देन क्या होता है अगर वो थोड़ा प्रोडक्ट हो क्या है थोड़ा वेट टाइप का यानी गीले टाइप का, क्या होता है वो स्क्रीन पे उसकी क्या होता है जो स्क्रीन है आपकी जिससे प्रोडक्ट छन के आपके रिसीवर में आ रहा है क्या होता है उसके क्लोज्ड हो जाते हैं उसके होल्स वहाँ पे। तो क्या अभी ये भी क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एक डिसएडवांटेजेस यहाँ पे होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। देन इसमें हम यहाँ पे बाल में भी फिलर ऐड करने वाले थे लेकिन क्या हो जाएगा, लेक्चर्स काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग लेक्चर्स में आप भी बोर हो जाते हैं, देन हमें भी क्या होता है फ्रेंड्स थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम्स हो जाती है ज़्यादा लंबा लेक्चर्स यहाँ पे रिकॉर्ड करने में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन अगले लेक्चर्स में फ्रेंड्स हम यहाँ पे कवर करेंगे बाल मिल, साथ ही में हम क्या करेंगे उसके फुल डिटेल्स में आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स में आपको यहाँ पे उसके नोट्स भी प्रोवाइड साथ में ही करा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन इसको वीडियो को लाइक कीजिए, देन फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे न्यू लेक्चर्स में।